महाराष्ट्र में 16% मराठा आरक्षण का रास्ता साफ, दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल। मराठा आरक्षण बिल पास होने के बाद मची श्रेय, लूटने की होड़, आजाद मैदान में प्रदर्शनकारियों से मिले उद्धव ठाकरे। मराठा आरक्षण ने मुंबई के मशहूर डिब्बा वालों में खुशी की लहर, महाराष्ट्र सरकार का किया धन्यवाद। मराठा आरक्षण के बाद गर्म हुई मुस्लिम आरक्षण की मांग, विधायकों ने मुस्लिम आरक्षण की मांग बैनर पहनकर सरकार विरोधी नारे लगाए। मुंबई के पास कल्याण में चाइनीज फूड स्टॉल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक दमकल कर्मी की मौत। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में धमाका, ब्लास्ट के बाद लगी आग, हादसा सीसीटीवी में कैद। गुजरात के सासनगीर में वनकर्मियों पर शेर का हमला, एक की मौत, दो गंभीर रूप से जख्मी। पुणे में भीड़ के हाथों मारे गए मोहसिन शेख के परिवार को 10 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार, इलाके में शिवाजी महाराज और बाला साहब की तस्वीर में छेड़छाड़ को लेकर था तनाव। मुंबई से सटे भिवंडी में शीशे की प्लेट के नीचे दबे 3 कर्मचारी, लोगों ने बचाए कर्मचारियों की जान, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। 77 पैसे की मजबूती के साथ 3 महीने के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, एक डॉलर का भाव हुआ 69.85 रुपए। तेतीस पैसे की कमी के साथ 8 महीने के न्यूनतम स्तर, 73.24 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा पेट्रोल, डीजल में 36 पैसे की गिरावट। 453 अंकों की बढ़त के साथ 36,170 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 129 पॉइंट उछलकर 10,858 पर बंद। 20 रुपए की कमी के साथ 31,540 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 60 रुपए बढ़कर 37,160 रुपए प्रति किलो। पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्रों में अभी तक करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख को मिली नौकरी। मीटू कैंपेन के बाद 80% पुरुष अपनी महिला सहकर्मियों से अधिक सतर्कता से करते हैं व्यवहार, 2,500 लोगों की राय के आधार पर सर्वे। बजाज ने लॉन्च किया पल्सर के 150cc नियॉन का नया अवतार, 65,000 रुपए है शुरुआती कीमत। मारुति सुजुकी बलिनो ने पार किया 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा, लॉन्च के महज 3 साल 2 महीनों में हासिल किया मकाम। बीएसएनएल के 3,000 कस्टमर सर्विस सेंटर में आधार सेवाओं की होगी शुरुआत, 90 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। निक जोनस के साथ जोधपुर पहुंची प्रियंका चोपड़ा, 2 दिसंबर को हॉलीवुड सिंगर के साथ ब्याह रचाएंगी बॉलीवुड हीरोइन। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में होगा प्रियंका का ब्याह, करीब 250 मेहमानों के शिरकत करने की उम्मीद। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह को बड़ी राहत, 2015 में एआईबी केस में पुलिस को चार्जशीट नहीं दाखिल करने का निर्देश। रिलीज हुई साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 2.0, अक्षय कुमार बने हैं विलन। मुंबई में सिनेमाघरों के बाहर रजनीकांत के फैंस की भीड़, लोगों में जबरदस्त उत्साह। फिल्म जीरो को मिले नोटिस के खिलाफ शाहरुख खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, फिल्म पर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। शाहरुख खान की फिल्म जीरो के सेट पर फिल्म सिटी में लगी आग, पूरी यूनिट सुरक्षित, शाहरुख थे उस समय अपनी वैनिटी वैन में मौजूद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।